गाइस, आपने अभी तक गैस के सिलेंडर भारी भरकम स्टील या लोहे के बने देखे होंगे, लेकिन हमारे आसपास इतना सब कुछ चेंज हो रहा है, तो क्या गैस के सिलेंडर का रूप चेंज नहीं होना चाहिए? फिकर नॉट गाइस, क्योंकि अब इंडेन आपके सामने नए तरह के गैस सिलेंडर लेकर आ चुका है, जो कि बने हैं फाइबर के। आप ठीक सुन रहे हैं, जहां पुराने सिलेंडर स्टील के बने होते थे वो काफी ज्यादा भारी होते थे, लेकिन नए सिलेंडर अब फाइबर के बने हैं, जो कि उससे 50% तक हल्के होंगे। मजे की बात यह है कि उनका कुछ हिस्सा पारदर्शी होगा, जिसके थ्रू आप आसानी से गैस के लेवल का पता कर सकते हैं कि उसमें कितनी गैस बची है, और ये आपको अलग अलग कलर्स में मिलेंगे, इसलिए रसोई में रखे हुए काफी अच्छे लगेंगे, और ये फाइबर के बने हैं इसलिए सुरक्षित भी होंगे। गाइस, आपको फाइबर के सिलेंडर के बारे में जानकर कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिए। गाइस, भगवान ना करे कि ऐसा कभी भी किसी के साथ भी हो, लेकिन अगर गलती से भी आपके घर पे गैस का सिलेंडर फट जाए या फिर गैस लीक होने की वजह से जान माल का नुकसान हो जाए, सो इन दिस कंडीशन आप लोग जान माल के नुकसान की भरपाई गैस सिलेंडर प्रोवाइडर कंपनी से कर सकते हो, और यह आपका हक है। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता देता हूं कि ऐसा एक्सीडेंट होने पर 10 लाख रुपए पर पर्सन कैजुअलिटी के और 50 लाख रुपए पूरे एक्सीडेंट के आप लोग गैस सिलेंडर प्रोवाइडर कंपनी से सहायता के हकदार हैं, और ये जानकारी आपको होनी चाहिए। ऐसी जानकारी के लिए YouTube पे हमारे कोरोना की सिचुएशन में आपने बार बार ऑक्सीजन के सिलेंडर के बारे में जरूर सुना होगा, और अगर आपने ध्यान से देखा है तो ऑक्सीजन के सिलेंडर का कलर भी फिक्स होता है, उसकी बॉडी ब्लैक होती है और उसका शोल्डर व्हाइट होता है। ऐसी किसी हरे नीले पीले सिलेंडर में ऑक्सीजन नहीं भरी जाती। इसका मतलब यह है कि गैस के हिसाब से सिलेंडर का कलर फिक्स होता है, जैसे कि अगर शोल्डर व्हाइट है तो ऑक्सीजन, अगर शोल्डर ब्राउन है तो हीलियम, अगर शोल्डर ब्लैक है तो नाइट्रोजन, अगर शोल्डर ब्लू है तो लाफिंग गैस, अगर शोल्डर ग्रे है तो CO2 गैस, और अगर शोल्डर रेड है तो इसका मतलब उसमें कोई फ्लेमेबल गैस भरी है। गाइस, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए